हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आज वीकेंड में हम लोग जो चार ऐसा स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो अंडर 25 रुपए का है, जो बहुत सस्ता है। सस्ता मतलब ऐसा नहीं कि फंडामेंटल स्ट्रांग है और फाइनेंशियल में वीकनेस है इसमें, इसके लिए सस्ता मिल रहा है मार्केट में। तो इस ऐसा स्टॉक में अपना ही रिस्क है और जो इसके इसके लिए हमारा एडवाइस है कि आप अपना ओवरऑल टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा इसमें एलोकेशन मत कीजिए। तो इसमें मल्टीपिकर पोटेंशियल है लेकिन फिर भी रिस्क अपना रिस्क भी ज़्यादा है उसमें। तो इसमें हम लोग एक चांस ले सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा हम लोग इसमें एलोकेशन कर सकते हैं। पहला स्टॉक है हमारा लिस्ट में धनलक्ष्मी बैंक, एक स्मॉल साइज़ का बैंक है। तो उसमें क्या है कि एक माइक्रो कैप कंपनी बोल सकते हैं, 602 का मार्केट कैप है इसमें और करंट प्राइस 23 रुपये चल रहा है और हाई है 52 वीक हाई 26 रुपये का और स्टॉक पी 5.79 और बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी बात है, डिविडेंड कोई नहीं दे रहा है, फेस वैल्यू 10 का है, आरओई 5.4, आरओसी 4.6 और डेट टू इक्विटी ठीक है, वो तो अपना बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग पैरामीटर होता है उसमें। तो FIS को होल्डिंग है, 11% का FIS का होल्डिंग है। तो इसमें छोटा छोटा साइज का बैंक है, उसमें आप दूसरा बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो अपना इकोनॉमी मूव करने के लिए अपना रूरल एरिया में बैंकिंग और फाइनेंस का जो रोल है सिग्निफिकेंट होता है। तो इसके चलते इसमें भी एक अपना फ्यूचर में टाइम लगेगा लेकिन रातों रात कुछ होने वाला नहीं है। रातों रात उसमें अगर कुछ चाहिए तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। तो इसमें पेशेंस चाहिए इसको आपको ग्रो करने के लिए। टाइम के साथ उसमें करेक्शन भी होगा, अगर करेक्शन होगा तो उसमें पिटेगा भी जल्दी, और वो सब आप ध्यान में रखिए। और क्वार्टरली रिजल्ट देखेगा तो क्वार्टरली ठीक ठाक किया है इसने। जून क्वार्टर में 289 का एक रेवेन्यू जनरेट किया है। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट है 28 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट है एक क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेगा तो ठीक ठाक लगातार परफॉर्म कर रहा है और जो उसका एक्सपेंसेस भी ठीक है, अपना एक्सपेंस भी बढ़ रहा है उसके चलते, और कोई डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी। बाकी कंपनी के पास वो तो ठीक है, रिजर्व तो बोरोइंग्स तो कंपनी का अलग पैरामीटर होता है तो उसका होना ही है बैलेंस अपना इसमें, और थोड़ा बहुत एनपी है इसके पास तो प्रोविजन भी दिया है उसने, अपना अलॉट किया है एनपी के चलते। तो सब बैंकिंग सेक्टर में चलता है। तो अभी हम लोग को क्या है, 100% अच्छा है उसमें, सब अपना जो क्राइटेरिया मीट नहीं होता है अपना फाइनेंशियल, तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे जैसे इंप्रूव होता है, अपना सेल्स बढ़ता है, अपना कारोबार अच्छा होता है, ये भी अपना बैलेंस शीट भी अच्छा होता है। तो उसमें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देंगे तो अपना FIS के पास है 10.9 का है और DIS के पास भी 0.07 के और बाकी पब्लिक के पास है। तो ये सब फॉर वीक ही है मतलब, सो अपना ही है इसका रिस्क है इसमें, वो सब रिस्क आप अगर रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, थोड़ा बहुत अपना एलोकेशन कर सकते हो। अगर आप चार्ट देखेंगे तो टेक्निकली अराउंड 8 रुपये में था ये लास्ट ईयर, तो 8 रुपये से एक काफ़ी चला है, डबल ट्रिबल हो गया है। और अभी इसमें करंट लेवल में बाई करने का कोई एडवाइस नहीं है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन होने दो, अराउंड 19 या 20 आएगा तो उसमें आप थोड़ा बहुत एलोकेशन कर सकते हो। ये हो गया अपना पहला स्टॉक धनलक्ष्मी बैंक। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है ये अपना रिलायंस इंडस्ट्री का जो फ्लैगशिप में हैथवे केबल एंड डेटा कॉम, जो एक अंडर परफॉर्म किया काफ़ी साल से और ऑल टाइम है 76 रुपये से करेक्ट होकर इधर नीचे आया है। तो उसका मार्केट कैपिटल देखे तो लगभग 3000 करोड़ का है मार्केट कैपिटल है और करंट प्राइस 16.9, स्टॉक पी ए 42 और इंडस्ट्री पी ए 48, आरओसी ठीक है 2.1 और 1.5 का आरओई है। डेट टू इक्विटी डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स का कोई शेयर प्लेज में नहीं है और FIS के पास 6.52 का एक होल्डिंग्स है। तो हाथवे केबल आपको पता ही है जो डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जियो का भी एयर फाइबर जो लॉन्च किया, अपने अनाउंसमेंट किया रिसेंटली AGM में, उसका एक बेनिफिशियरी हो सकता है हाथवे केबल। और उसका सेल्स देखेगा तो सेल्स ठीक ठाक थी, अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेगा तो कर रहा है ठीक है। अभी इस बार भी 1800 का एक सेल्स किया है उसने, और लेकिन नेट प्रॉफिट कुछ बचा नहीं, अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 65 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट है उसके पास और EPS 0.37 का है। और कंपनी के पास रिजर्व है 3000 का, लगभग 3800 का रिजर्व है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो भी 453 करोड़ का एक कैश फ्लो भी है ऑपरेटिंग एक्शन अपना एक्टिविटी से।
और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेगा तो आप देख पाओगे प्रमोटर्स के पास 75 का है और FIs के पास 6% है और DIs के पास 0.41 और पब्लिक के पास 18.07%। और डिजिटल थीम के चलते इसको एक एडवांटेज मिल सकता है। आप ये वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और जैसे जैसे करेक्शन होता है आप उसमें मतलब फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है तभी तो ये 16 रुपये में मिल रहा है आपको। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, इस पर रिस्क इन्वॉल्व है तो अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक्चुअली उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, रातों रात कुछ होने वाला नहीं। सेम केस इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा और कभी चलेगा तो चलेगा, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो मार्केट में इसमें ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है इसमें, तो वो सब बात ध्यान रखिए। और चार्ट देखे तो ऑल टाइम है 76 रुपीज़ का है और अभी एक अराउंड 16-17 अपना 15 से 16 का लेवल में एक बेस बनाया उसने। बेस बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड में अभी शायद उसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम है तो एक अपना एक दूसरा दूसरा स्टॉक था। तो आज का दिन में आज का लिस्ट में तीसरा स्टॉक रहेगा हमारा जो सबका फेवरेट है, जो रिटेलर का आई होप जानते होंगे सब लोग, सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन आजकल 6-7 महीने में न्यूज़ में काफ़ी न्यूज़ क्यों है, रीज़न तो सिंपल है, काफ़ी सारा उसका मल्टीपल ऑर्डर आया। अभी देख लीजिए रिसेंटली 25 अगस्त का भी एक ऑर्डर आया अराउंड 3 मेगावाट का, एक विंड टर्बाइन का, एक इसका टेक का ग्रीन पावर 11 प्राइवेट लिमिटेड करके उसका एक कंपनी है, एंटिटी है। उसके बाद एक ऑर्डर आया और 24 को एक उसका अनाउंसमेंट है, वो भी एक 31.5 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, वो भी एक उसको ऑर्डर मिला है। और बाकी क्वार्टर वन का भी रिजल्ट ठीक ठाक है। अभी इंटरेस्टिंग है कि क्वार्टर अपना इसमें काफ़ी साल के बाद अपना इसने पोस्ट किया है, प्रॉफिट पोस्ट किया अपना को सुजलॉन ने, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट पोस्ट किया। इसके चलते इसमें एक प्राइस में एक ऑलरेडी उछाल देखने को मिला है, ऑलरेडी एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, 3x हो गया नीचे के लेवल से इतने 6-7 मंथ्स में, तो ऑलरेडी दे चुका है। मतलब ये देख लीजिए 2087 का एक प्रॉफिट पोस्ट कर चुका है अपना यहाँ 2023 का इसमें फाइनेंशियल ईयर में। तो इसके चलते इसमें एक प्राइस में जंप ऑलरेडी देखने को मिला है, आप जैसे कि आपको पता ही है, एक देख लीजिए ऑलरेडी देखने को मिला है मई से लेके एकदम बूम जबरदस्त रफ्तार में जा रहा है, वन वे मूवमेंट है। तो अभी एंट्री करना रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है जो फ्रेश एंट्री के लिए बोल रहा है, तो अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट होने दो, अराउंड 18-19 या 18-19 के पास आएगा तो हम लोग वापस उसमें सोच सकते हैं एंट्री का, रही है अपना फ्रेश एंट्री का। और जिसके पास ऑलरेडी नीचे के लेवल्स पे ले रखा है, जो ये ब्रेकआउट लेवल पे ले रखा है, तो 11-12 रुपए में वो बने रहिए। अगर अच्छा आप चाहते हो 50% बुक कर सकते हो, अगर और भी चाहते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप डबल हो रहेगा तो निकल सकते हो, तो बाकी रहने दीजिए। तो इसमें एक्चुअली विंड एनर्जी तो फ्यूचर है, तो रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसका एक वैल्यूएशन अलग ही वैल्यूएशन है, उसका ज़्यादा इसमें मत जाइए फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल इतना ख़राब ही है इसका अपने सुजलॉन का, तो रिस्क तो रहेगा। जब जब भी मार्केट करेक्शन होता है अगर आपको ऐड करना तभी ऐड कर सकते हो, अभी फ्रेश एंट्री का कोई ए लेवल पे कोई राय नहीं है, ऑलरेडी 1 27 रुपये का हाई लगा के नीचे आया तो सेलिंग थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबोर्ड जोन में, वीकली चार्ट में भी, इवन डेली चार्ट में भी, मंथली चार्ट में भी, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फिलहाल तो अभी नीचे के लेवल में तो प्रॉफिट एंजॉय कीजिए, और बाकी जो फ्रेश एंट्री है नीचे के लेवल में कर सकते हो आप। और ये रहेगा अपना तीसरा स्टॉक सुजलॉन, तो ध्यान रखिए रिस्क रहेगा और ये अपना स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क रहेगा और रिवार्ड भी इतना ही मिलेगा, लेकिन आपको रिस्क का एपिटाइट करने का उसका एक क्षमता होना चाहिए, उसके बाद आप उसमें उसके बारे में सोच सकते हो। लास्ट अपना मल्टीबैगर लिस्ट में चौथा स्टॉक है SCPC, श्रीराम EPC लिमिटेड। ये जो काफ़ी ऊपर का लेवल से अराउंड 374 का एक हाई लगाया था उसने, तो उसके बाद काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है, तो अभी अराउंड 14 रुपये चल रहा है, 14.30। अभी इसमें क्या है, एक UAE का एक एंटिटी ने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है इसमें, तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी करता क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग अपना मैनेजमेंट सर्विस और वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब उसका मेन कारोबार है। तो फाइनेंशियल में देखें तो अराउंड 2000 करोड़ का एक मार्केट कैपिटल है, स्मॉल कैप कंपनी है और बुक वैल्यू 7.92 का है, ROC नेगेटिव है और ROE भी नेगेटिव है और फेस वैल्यू 10 का है, FIS का होल्डिंग्स माइनस है 0.21%। तो उसमें क्या है कि बैलेंस शीट तो अपना इसमें
ये तो इतना कास्ट नहीं है अपना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो वो स्मॉल कैप कंपनी अभी 370 से नीचे आए तो मतलब कुछ तो ख़राब होगा, तभी तो नीचे आए। अभी वापस से उसमें रिकवर का मोड में, अपना अभी उसका मैनेजमेंट रिकवरी का मोड में, और कुछ उसको ऑर्डर भी मिला हुआ है। इसके चलते इसका और एक न्यूज़ में आया, और ये साल देखिए तो 23 का फाइनेंशियल ईयर में 379 का एक सेल्स किया है उसने, और बाकी देखे तो एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ही है, और नेट प्रॉफिट नेगेटिव में, तो कुछ खास नहीं है। और आज आगे उम्मीद करते हैं उसको अच्छा अच्छा करेगा करके, क्योंकि मैनेजमेंट का कमेंट्री ऐसा है, तो मल्टीपल इसको ऑर्डर है, और उसके चलते एक उसमें हम लोग उसका एक वॉच लिस्ट में हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्योंकि अभी ये सब छोटी कंपनी है, और ऊपर से इतना अंडर परफॉर्म करेगा तो आप सोच लीजिए कंपनी का बैलेंस शीट कितना खराब होगा। कुछ परफॉर्म नहीं किया कुछ साल में, अभी वापस न्यूज़ में आया तो वापस अभी कॉप अप कर रहा है कंपनी, तो आप वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, जैसा जैसा डिप मिलता है उसमें आप पोजीशन बना सकते हो। तो अभी अराउंड काफ़ी चला है, 25% चला है अभी 2 महीने में, 2-3 महीने में, तो अभी भी इसमें डिप आएगा तो आप ले सकते हो, और रिस्क तो रहेगा इसमें भी, वैसे ही छोटी कंपनी है, रिस्क तो हमेशा 2 गुना रिस्क रहता है, और रिवार्ड आप लोग, रिवार्ड तो ठीक है, अभी हर कोई इसमें चारों में से चार चलेगा नहीं, तो एक हाथ ही चलने वाला है वो तो पक्का है, तो अभी चार चलेगा तो मैं खुद रखूँगा, तो आप सबको थोड़ी बोलूँगा, तो देख लीजिए आपका आपका इससे एपेटाइट के हिसाब से आप उसमें एलोकेशन कीजिए, और बाकी अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी सलाह लीजिए इसके बारे में, क्योंकि आप ज़्यादातर आपको जितना अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो रहेगा तो 10% मतलब 1 लाख ही रख सकते हो ये सब छोटा मोटा स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो बार बार बोल रहा हूँ रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, इसके लिए अपना एनालिसिस कीजिए और थोड़ा बहुत तो उसमें जानिए कंपनी के बारे में और स्टडीज कीजिए, उसके बाद अपना टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए। और ये स्टॉक्स अब अभी अगर चलेगा तो 1-2 साल में अभी 4 गुना का रिटर्न देने का एक क्षमता रखता है, तो मल्टी वैगर अभी जैसे कि आप स्विट्जरलैंड में देख लिया, अराउंड 6 महीने में उसने 3 गुना पैसा बनाया, पैसा बना के दिया, तो ऐसे ही है, अगर चलेगा तो रफ्तार पकड़ेगा तो वो रुकेगा नहीं कोई भी स्टॉक, बस आपको एक होल्ड करने की क्षमता होना चाहिए, उसके बाद ही आप कन्विक्शन होना चाहिए, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हो ये छोटी मोटी कंपनी में। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।